नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कोटड़िया स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल सॉफ्ट लैब पे। इस चैनल पे मैं हर बार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। जो आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे न्यू वीडियो कोई भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादा बात न करते हुए हम इस वीडियो में क्या हमको मिलने वाला है इसकी बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा माउस कई बार वर्क करता है। अभी जो मैं देखता हूं तो मेरी स्क्रीन पे मेरा माउस वर्क कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होगा मैं टाइपिंग करूंगा तो मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो आज के वीडियो में हम इस पे सॉल्यूशन देंगे कि कैसे होता है। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड नॉट वर्किंग। सबसे पहले माई कंप्यूटर पे जाएंगे, उस पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें से मैनेज वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे और मैनेज में से एक ऑप्शन है उसकी हम बात करेंगे। यस, ओपन हो गया मैनेज। इसमें से हमको एक डिवाइस मैनेजर करके एक ऑप्शन है, उसमें हमको क्लिक करना है। जो डिवाइस मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से कीबोर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर हमको क्लिक करना है, जो कीबोर्ड वाला ऑप्शन है उस पर। ओके, कीबोर्ड ऑप्शन है, इसमें एडी कीबोर्ड डिवाइसेस उस पर राइट क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर इसमें से ऑप्शन क्लिक करना है, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर डिवाइसेस ड्राइवर्स। ओके, इस पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर, इस पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे दो कीबोर्ड आएगा, एडी कीबोर्ड डिवाइसेस और एडी कंप्लेंट डिवाइसेस। दोनों को हमको अपडेट करना है। पहले कीबोर्ड वाला का अपडेट करना है, ऐसे इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स आएगा और उन और ड्राइवर सक्सेसफुली का मैसेज इस तरह आ जाएगा। ओके, ये करने के बाद हमको दूसरा जो ड्राइवर है उसको भी ऐसे इसी तरह का अपडेट करना है। राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर करना है। जो मेरा कीबोर्ड हमको देखना है तो मेरा कीबोर्ड एक्टिव हो गया। फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड अभी ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा कीबोर्ड अभी चल रहा है। जो मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो मेरे को क्या करना है, ब्राउज माय कंप्यूटर में जाने का है, बाद में जो सेम ऑप्शन है ए वाला है उसको अपडेट करना है। इस तरह आप करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है और नॉट वर्किंग मोड में है तो स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा।